Good morning, students. I will teach you mathematics of 11th class, first chapter, set theory. But I have told you video in this video disjoint set. Now, I will tell you the properties of union and intersection. Properties of union and intersection. Okay, properties of union and intersection. This is in front of you. What is union property? कहता है कि ए और बी का अगर यूनियन करें या फिर बी और ए का यूनियन करें तो आंसर सेम आएगा. ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें तो भी आंसर सेम आएगा. इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे ए पहले लिखा हुआ है बी बाद में, और इसमें बी पहले लिखा हुआ है और ए बाद में. दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. इसे कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं. अच्छा, उसके बाद आता है ए का यूनियन बी यूनियन सी. दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. यहाँ पे तीन सेट होते हैं ए बी और सी. इसमें भी तीन सेट हैं ए बी और सी, और हर जगह यूनियन लगा हुआ. सबसे खास बात यह है, ठीक है, इसका मतलब है कि पहले बी और सी का यूनियन निकालो, जो आंसर आया फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालो. और इस साइड, जब मैं इस साइड को भी निकालना पड़ेगा हमें, इसमें पहले ए और बी का यूनियन निकालना पड़ेगा, जो आया उसका सी के साथ यूनियन निकालना पड़ेगा. ऐसा ही इसके अंदर तो दोनों साइड बराबर आएगी इस केस में. ठीक है, इस केस में भी दोनों साइड बराबर आनी चाहिए. इसमें हर जगह पर इंटरसेक्शन लगाया हुआ है. यहाँ पे तीन सेट है ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी. यहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो, जो आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो. यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, जो आया उसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो. दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में हमेशा तीन सेट होते हैं, ए बी और सी. ठीक है जी, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक कर लीजिए. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इसमें एक जगह पे तो यूनियन का निशान होगा, दूसरी जगह पे इंटरसेक्शन का निशान होगा. यहाँ पे दो सिंबल आएंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन. ठीक है, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी ना तीन सेट तो होंगे, ए बी और सी. बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये खास बात है, कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसमें एक जगह तो यूनियन होगा और दूसरी जगह क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा. मतलब इसमें दो सिंबल होंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का यूज होगा. तो कहता है कि ए का यूनियन बी के साथ निकालो, निकाल दिया. ये रहा, अब ए का यूनियन किसके साथ, सी के साथ भी निकालो, ये निकाल दिया. इंटरसेक्शन जो बी और सी के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो बीच में आएगा. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इसने क्या करा, ए के यूनियन को बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ए के यूनियन को सी के साथ भी लिया गया है. तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए के यूनियन को बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए के यूनियन को सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अच्छा, यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ है. ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है. ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, यूनियन बीच में आएगा. तो ए के इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के साथ भी, और ए के इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी के साथ भी. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो आपको ये कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीनों लॉ याद करने अब जरूरी है भाई. अच्छा, उसको कहता है डिमोर्गन्स लॉ. डिमोर्गन्स लॉ कहता है कि ए का यूनियन बी के साथ निकालो, उसके ऊपर डैश करो. दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ये आएगा आपके पास, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा. ए यूनियन बी के ऊपर डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट. ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट पहले समझा चुका हूँ, इसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी अगर नहीं आता तो. दैट इज इक्वल टू ए के ऊपर डैश अलग, बी के ऊपर डैश अलग, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा. ए इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश. यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, और दोनों पे डैश अलग अलग है. दैट इज कॉल्ड डी मोर्गन्स लॉ. ठीक है, अभी इन सबकी थ्योरी नहीं बता रही, इनको थ्योरेटिकली मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी के थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है जी, तो इसलिए अभी फिलहाल ये रिजल्ट आप याद रखने जरूरी है. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, इसके अंदर है कि मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझा रहा हूँ. मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ये सच होता है. टू प्रूव, ये प्रूव करना चाह रहा हूँ मैं. ठीक है, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए के बराबर होता है. ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 चल रही है. अच्छा, ए सेट मैंने अपनी तरफ से ये ले लिया, बी सेट ये ले लिया, मैंने ए और बी का यूनियन निकाल लिया. बट यूनियन आपको पहले ही निकालना बता रखा है कि ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के सारे एलिमेंट लिख दो, 1, 2, 3, 4 सारे लिख दिए. फिर बी यूनियन ए निकाल दिया, बी के सारे एलिमेंट लिख दो, ए के सारे लिख दो, बी के सारे एलिमेंट 2, 3, 4, 2, 3, 4, ए के सारे लिख दो, 1, 2, 1, 2, ये आ गया. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सेट आ गया. बी यूनियन ए निकाल लिया आपने. तो बी यूनियन ए निकालने के बाद अगर चेक करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस सेट को पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे 2 दो बार है भाई,
तो टू दो बार तो उसको एक ही बार लिख सकते हो आप। अगर आपको बच्चा ऐसे में लिखता है तो गलत नहीं है वो, ठीक है, लेकिन जो दो दो बार नजर आ रहा है उसको केवल एक ही बार काउंट करते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी यूनियन ए के बराबर आ गया, ये प्रूफ था इसका। हालांकि इसका थ्योरेटिकल प्रूफ और भी है बेटा, वो थ्योरेटिकल प्रूफ मैं अभी आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। अब बात करते हैं टिमोर गन्स लॉ को प्रूव करना चाहता हूँ कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव करने के लिए आएगा आपके यहाँ पे। लेकिन ये प्रूव करने के लिए तो आएगा, लेकिन इसके अंदर आपको क्या देगा, एक ए सेट देगा एक बी सेट देगा, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। जहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा वहाँ यूनिवर्सल सेट जरूर होगा। देर इज ए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट ये बना आपको पहले से, ठीक है। और मुझे ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इसके ऊपर डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी निकालूंगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो इन दोनों का फिर बाद में इंटरसेक्शन निकाल दूंगा। दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, मतलब ये प्रूव करना है। ए यूनियन बी निकाल रखा है, ए सेट ये रहा बी सेट ये रहा, इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4, ठीक है जी। अब ए यूनियन बी के ऊपर डैश लगा रखा है, ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है बेटा यू माइनस ए यूनियन बी, ये होता है फार्मूला। आपको बता रखा है ना पहले ही कि ए डैश दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है, ए डैश बराबर क्या होता है यू माइनस ए होता है। ऐसे ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी डैश दैट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये यू में से सबट्रैक्ट कर दो इसी सेट को जिसके ऊपर डैश होता है ना, जिस पूरे सेट पर डैश है तो पूरा सेट सबट्रैक्ट कर देते हैं ए यूनियन बी। तो इसका फार्मूला ये है। तो मैंने यहाँ पे ए यूनियन बी के ऊपर डैश बराबर लिख दिया U माइनस, ये A यूनियन B है, A यूनियन B की वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुट कर दी 1 2 3 4, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये रहा 1 2 3 4 5, दैट इज गिवन, दैट इज गिवन, ऊपर गिवन है यहाँ पर ये U की वैल्यू होगी, ठीक है। U की वैल्यू चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो अब यूनिवर्सल U में से मैंने क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 सबट्रैक्ट कर दिया। अच्छा सबट्रैक्ट कैसे करते हो, पहले समझा रखा है 1 2 3 4 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया कर, जो दोनों में कॉमन है, और जो यहाँ बच गया दैट इज द आंसर, तो आंसर इज 5, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रूव ये करना है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन बी का डैश तो मैंने पहले ही निकाल दिया, ए यूनियन बी का डैश ये निकाल दिया, ठीक है जी। अब मुझे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, तो ए डैश निकालने वाला हूँ यहाँ पर, ए डैश बराबर यू माइनस ए होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 है, उसमें से 1 2 3 सबट्रैक्ट, 1 2 सबट्रैक्ट कर दो क्योंकि ए की वैल्यू 1.2 के बराबर है, ये सब इसमें कैसे करते हैं, 1 2 छोड़ दो, 1 2 इसमें से भी छोड़ दो, क्या बच गए 3 4 5, इसमें 3 4 5 आ गया, दैट इज ए डैश, मुझे ए डैश मिलेगा। ए डैश के बाद इसी तरह से मैं बी डैश निकालूंगा, यू माइनस बी आता है, यूनिवर्सल में से बी कटा देंगे, यूनिवर्सल के लिए 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 सबट्रैक्ट करना चाहता हूँ, कॉमन चेक करो दोनों में 2 3 4, आंसर क्या बच गया 1 और 5, तो आंसर आ गया 1.5, ये दोनों आ गया। अब ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना था, चेक कर लो, ये प्रूव करना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होना चाहिए रिजल्ट। तो ए डैश आपने पहले ही निकाल रखा है, बी डैश भी निकाल रखा है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया 5 आया, चेक कर लो दोनों का, तो कॉमन है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 5 आ गया। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो निकला वो 5 के बराबर निकला है, यहाँ चेक करेंगे, और ए यूनियन बी का डैश चेक करना, ए यूनियन बी का डैश ये रहा, दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, सेम आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अच्छा जी अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में पहले समझा चुका हूँ, क्या ये यूनिवर्सल सेट हुआ करता, आपको याद होगा ये यूनिवर्सल सेट हुआ करता था, ये ए सेट इसके अंदर पड़ा हुआ है ए सेट, तो ये अंदर वाला अगर ए है तो ये बाहर वाले को क्या नाम दिया करता, याद है आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब समझाया था, तो वो सारी बात तो याद रखना होगी तो बात बनेगी भाई, अब मैं हर जगह ये सारी चीज़ नहीं समझा सकता। इसको ए डैश बोलते हैं, बात ये पूरा ए अंदर वाला सेट ए, लेकिन ये बाहर वाला एरिया ए डैश कहलाता है। ए डैश का मतलब होता है, ए डैश का सिंपल सा मतलब है कि जो अगर मान लीजिए ये ए है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो इस ए के रीजन को छोड़ दो, जो बाकी बच गया दैट इज ए डैश, ठीक है। मान लीजिए आप अपने कमरे, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, ये रही
ये देखो, ये देखिए, ठीक है। आप मान लीजिए इस कमरे के अंदर बैठे हुए, यहाँ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो बताओ आप जहाँ बैठे हो उस कमरे का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, उस कमरे का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ। जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ तो आपके मकान का, आपके घर का जो हिस्सा बच गया, जहाँ बैठे हुए हैं आप उस एरिया को छोड़ दो, जो बाकी एरिया बच गया, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस रूम, ठीक है। अगर ये ए सेट मान लें तो इसको ए डैश बोल लूँगा, ठीक है। तो ये ए है और ये क्या है, ए डैश है। ये बाहर वाला ए डैश है, ये वाला ए है अंदर वाला, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो यूनिवर्सली बन जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि ए का यूनियन ए डैश के साथ यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करें, अब दूसरी प्रॉपर्टी है ए का इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाइव कैसे आया। तो कहता है कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ निकालूं, अब ए तो अंदर वाला रीजन है और ए डैश कौन सा है, बाहर वाला रीजन है, तो दोनों में कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ये ए डैश के सारे पॉइंट बाहर पड़े हुए हैं और ए के पॉइंट कहाँ पड़े हुए, अंदर पड़े हुए हैं। तो जो ए के अंदर पड़ा वो बाहर नहीं हो सकता, जो और जो बाहर पड़ा वो अंदर नहीं हो सकता। इसलिए ए और ए डैश के अंदर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अच्छा, एक ये वाली प्रॉपर्टी है, ए के ऊपर डबल डैश लगा दें तो वापस ए सेट ही आ जाएगा। आप एग्जांपल के तौर पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर किसी को सेट दे रखा हो ए, ठीक है, उसके ऊपर डबल डैश लगा तो क्या आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक ए सेट लिख दिया, इसके अंदर वन और टू एलिमेंट है, एक यूनिवर्सल सेट लिख दिया जिसमें मैंने वन टू थ्री एलिमेंट है, ठीक है। तो ए डैश निकालो, ए डैश मतलब क्या होता है, यू माइनस ए होता है, यू क्या एक दो तीन में सबट्रैक्ट कर दो ए वन कोमा टू, ठीक है, वन टू को छोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया इसका, थ्री। तो ए डैश किसके बराबर है, थ्री के बराबर है। अगर ए डैश थ्री के बराबर आया तो मुझे निकालना है ए डैश के ऊपर डैश, ये निकालना है। आप जानते हो ए डैश का मतलब क्या होता है, यू में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, ए को, जो डैश के अंदर जो ए होता है ना उसको सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये ए डैश के ऊपर फिर ये डैश है, मुझे ये वाला डैश निकालना है, ये वाला डैश नहीं निकालना है, तो निकाल चुका हूँ, ये वाला डैश निकालना है। इस डैश का मतलब क्या हुआ, यू में सबट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, ए डैश को, जो डैश के अंदर है उसको सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यू का मतलब क्या है, एक दो तीन माइनस, और ए डैश का मतलब क्या है, निकाल रखा है ए डैश, दैट इज इक्वल टू थ्री, थ्री, तो थ्री थ्री छोड़ दो, आंसर कितना आया, वन कोमा टू, ठीक है, वन कोमा टू आ गया, लेकिन वन कोमा टू आपने पहले ही ए सेट मान रखा था, दैट इज इक्वल टू ए, तो ए का डबल डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट याद रखना है। अच्छा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अरे बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप मुझे ये बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ चेक करो, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस फाइव, ठीक है। इसलिए फाइव डैश इक्वल टू यू माइनस फाइव, अगर यू यूनिवर्सल में से फाइव घटाऊँ तो क्या आ जाएगा, यू ही बचेगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल मान लेते हैं कुछ भी एलिमेंट पड़े हैं, फाइव का मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, मान लेता हूँ यू के अंदर तीन एलिमेंट है, वन टू थ्री, इसमें से ये एमपीडीए सबट्रैक करना चाहते हैं, जब सबट्रैक करते दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक करते, कॉमन है ही नहीं, तो ये एज इट इज बचना चाहिए, ठीक है। तो वापस यूनिवर्सल सेट ही आ गया, क्योंकि मैंने इसको यू नाम दिया तो वापस यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो इसलिए फाइव डैश बराबर यू माइनस फाइव होता है, दैट इज इक्वल टू यू, और यू डैश अगर निकालू तो यू डैश किसके बराबर होता है, फाइव के बराबर होता है, यू डैश किसके बराबर होता है, यू डैश इज इक्वल टू फाइव होता है, क्योंकि यू डैश का मतलब क्या है, यू माइनस यू, यू में से यू सबट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, फाइव आएगा। चेक कर सकते हो यू माइनस यू कैसे आएगा, यू माइनस यू, यू के अंदर मैं मान लेता हूँ तीन एलिमेंट है, वन टू थ्री, अब वन टू थ्री में से वन टू थ्री को सबट्रैक्ट करना है, यू में से यू घटा रहे हैं, यू को मैंने मान लिया वन टू थ्री, तो वन टू थ्री कॉमन एलिमेंट चेक करते थे, याद है सबट्रैक्ट करते समय कॉमन एलिमेंट चेक करते हैं, कॉमन एलिमेंट वन टू थ्री है, तो इसमें जो बचेगा वही तो लिखते, तो इसमें कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो एम पी टी आ गया, फाइव आ गया, ठीक है। इसलिए यू माइनस यू इक्वल टू फाइव होना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी याद रखने के बाद एक और चीज़ है कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस, ए माइनस बी है ना, कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। लेकिन ये ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर तभी हो सकता अगर ए और बी दोनों एम्प्टी सेट हों, तो अगर ए और बी दोनों एम्प्टी सेट हों तो ये बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक ए सेट मैंने ये ले लिया और एक बी सेट मैंने टू कोमा थ्री ले लिया, ठीक है, ए माइनस बी निकाल रहा हूँ, ए माइनस बी, ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली, तो हम चेक करो कॉमन एलिमेंट क्या है, टू है, यहाँ जो बच गया वो लिखते हैं वन, इसका आंसर क्या आ गया, वन। अब बी माइनस ए चेक करो, बी माइनस ए, मैंने यहाँ पे बी सेट डाला टू कोमा थ्री, यहाँ पे ए सेट डाला वन कोमा टू, दोनों में चेक करो कॉमन क्या है, टू दोनों में कॉमन है, क्या बच गया, थ्री। तो ए बी माइनस ए की वैल्यू कितनी, थ्री, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, वन, दोनों बराबर नहीं,
बस यही बताना चाह रहा था कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। अच्छा जी, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन, a माइनस बी का इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे याद कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश होता है। इसको वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बता रहा। अभी एक्सरसाइज 1.3, ये a सेट दे रखा है, ये b सेट दे रखा है, ये c सेट दे रखा है, तो प्रूव दैट a माइनस बी यूनियन c, a माइनस बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी आना चाहिए, ठीक है, ये प्रूव करना चाहते हैं ये रिजल्ट। जबकि आपको क्या क्या दे रखा है, एक ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और सी सेट दे रखा है, ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें अगर हम चेक करें मुझे सबसे पहले, अगर मुझे ये रिजल्ट निकालना है जो यहाँ लिख रखा है, वो क्या कहता है, जो ये रिजल्ट लिख रखा है वो क्या कहता है कि पहले b यूनियन c निकालो, एक बार a माइनस बी अलग से निकाल लो, एक बार a माइनस सी अलग से निकाल लो, और फिर चेक करो कि दोनों साइड बराबर आई या नहीं आई, ठीक है, बराबर का निशान यहाँ दे रखा है, तो b और c का यूनियन, बट यहाँ b और c का यूनियन निकाल रहा, b और c का यूनियन निकालना चाहता हूँ, बी सेट ये रहा 2, 3, 4, 5, मैंने ये अपनी तरफ से ले लिया ए बी सी, बट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि अब प्रॉब्लम आती तो आप कर सकते हैं। बी और सी का यूनियन क्या आएगा, सी सेट में वन एलिमेंट है, इन दोनों का यूनियन निकालो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बी यूनियन सी 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये साइड निकालनी है ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी यूनियन सी निकाल रहा हूँ, ए सेट डाल दो 1, 2, 3, 4 डाल दिया, ए सेट 1, 2, 3, 4 मैं सबट्रैक्ट कर दो बी यूनियन सी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4 दोनों में सबट्रैक्ट जब करते तो कॉमन एलिमेंट चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 जो यहाँ बच गया वो लिखते हैं, कुछ नहीं बचा, एमपीटी सेट आ गया, तो ये साइड निकल चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी साइड निकालना चाहता हूँ, ए माइनस बी निकालना चाहता हूँ पहले, फिर ए माइनस सी निकालना चाहता हूँ, फिर उसका इंटरसेक्शन करूँगा, चलो देखते हैं। ए माइनस बी निकालना चाहूँगा, ए सेट ये रहा, मुझसे घटा दो बी सेट, चेक करो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, 3, 4 क्या बच गया यहाँ पर, 1, आंसर 1। ए माइनस सी निकालो, ए सेट ये पुट कर दिया, सी सेट ये पुट कर दिया, ए और सी पहले से ऊपर चेक कर लो, ये भी 1 है, ए में से सी सबट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 है, क्या बच गया 2, 3, 4, ठीक है जी। अब क्या करता हूँ, जो a माइनस बी आया, जो a माइनस सी आया, ठीक है, उसके बीच में क्या निकालना चाहते थे हम, इंटरसेक्शन निकालना चाहते थे, तो आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, ये देखो 1 के, ए माइनस सी 2, 3, 4 ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन 5, तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरी साइड भी किसके बराबर आई, 5 के बराबर आई, और ये पूरी साइड भी किसके बराबर आई, 5 के। तो इस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं, 14th एक्सरसाइज नंबर 14 कहता है, एक एक्सरसाइज नंबर 1.3 चल रही है, ठीक है भाई, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये ए सेट गिवन है, ये बी सेट गिवन है, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें, बस और कुछ नहीं समझाना मुझे, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने यूनिवर्सल और a और ए बी अपनी तरफ से ले रखी हैं तीनों सेट। मैं समझना चाहता हूँ a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो a माइनस बी निकालो, a सेट डाल दो 1, 2, 3, पहले मुझे a माइनस बी निकालना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए मैंने यहाँ a माइनस बी निकाल रखा है, a सेट ये डाल दिया, b सेट 2, 3, 5 है हमारे पास, कॉमन चेक करो 2, 3, 2, 3 दोनों में कॉमन 2, 3 है। अच्छा, डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ जो बच जाता है वो लिखते हैं, ध्यान रखना जो यहाँ बचता है वो नहीं लिखते आंसर में, आंसर में क्या लिखते हैं, जो यहाँ बच जाते हैं वो लिखते हैं, 1 बचा तो 1 आ गया, अगर यहाँ कुछ बचा ही ना तो एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो a माइनस बी का डैश किसके बराबर होता है, यू में से सब्ट्रैक कर दो, किसको, इस ब्रैकेट में डाल दो a माइनस बी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 a माइनस बी निकाल लिया 1, चेक करो दोनों में कॉमन एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 आंसर 2, 3, 4, 5, तो इसलिए से मैंने निकाल दिया a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये a माइनस बी का डैश निकाल के दिखाया भाई कैसे निकाला जाता है। अच्छा जी, आगे चेक करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है,
आपको एक ए सेट बी गिवन है, एक ए सेट ये दे दिया, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, एक बी सेट ये आपको गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर बी डैश माइनस ए डैश, बी डैश माइनस ए डैश। बेटा ये अपने आप निकाल के देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बी का कॉम्प्लीमेंट बता रखा है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, बी डैश माइनस ए डैश कैसे निकाल रखा है, वो सब निकाल के देखना आपने। आप चाहे तो मैं इसका थोड़ा सा आपको थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने रख देता हूँ, करना आपने अपने आप ही, ठीक है, कुछ ये देखिए कैसे a माइनस बी निकाल रखा है, कैसे a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, ये a माइनस बी निकाल रखा है, अपने आप चेक करना, अभी मैं नहीं समझा रहा, a डैश किसी और u माइनस a कैसे निकाल रखा है चेक कर लो, b डैश क्या होता है u माइनस b होता है कैसे निकाल रखा है ये चेक कर लो, ठीक है जी। 5, 6, 6 में से कॉमन था, 5 और 6 कॉमन है, तो जो बच गए वो सारे एलिमेंट लिख दिया करते हैं, ठीक है। अब यू ए इसके अंदर कॉमन क्या, 1, 3, 4 कॉमन, इस पर क्रॉस का निशान लगा, बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। इस तरह से ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाल रहा हूँ, क्योंकि कह रखा है इन्होंने कि भाई ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो मैं यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी डैश निकाल रहा हूँ, ए सेट लिख दिया, बी डैश लिख दिया, बी का डैश लिख दिया, इंटरसेक्शन अपने आप निकालो, बी डैश माइनस ए डैश निकाल रहा हूँ, बी डैश पहले ही निकाल रखा है, ए डैश पहले ही निकाल रखा है, बी डैश में से ए डैश सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए तुम्हें पता है पहले से, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म, 14th। अच्छा अब देखिए 15th नंबर, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 1.3, मैं एक्सरसाइज 1.3 के ही सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.3 के कहता है If A is a subset of B, comma, and B is a subset of A, that is given, ये दो पत्ते given है कि A B का subset है, B C का subset है, A B का subset है, B C का subset है, तो प्रूव करो कि A C C का subset होना चाहिए, A B का subset है, B C का subset, तो प्रूव करो A B C का subset होना चाहिए। subset की definition मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, क्या कि अगर कोई set A subset of B है, तो A के सारे element, तो A के सारे element B में पड़े होने चाहिए। चलो बहुत आसान सा है, जब मुझे प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ये प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, तो मुझे सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा कि ए के सारे एलिमेंट सी में पड़े हैं, मुझे ये दिखाना है, मतलब मैं इसमें से कोई एलिमेंट उठाऊंगा और उसे सी में दिखा दूंगा। मैंने मान लिया एक एक्स एलिमेंट जो बिलोंग करता है ए में, इसे कहते हैं बिलोंग टू का सिंबल, मतलब ये होता है एक्स एलिमेंट ए में पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है मैंने एक ए सेट से एक एलिमेंट उठाया एक्स, जो ए सेट का ही है ये एक्स एलिमेंट, इसको लिखते हैं ऐसे कि एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। तो जो एक्स ए में पड़ा हुआ वो ऑटोमेटिकली वो एक्स बी में भी जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि रीजन दे रखा है, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो किसमें जा रहे हैं, बी में, दैट इज गिवन, ये तो गिवन है, ऊपर लिख रखा है गिवन है कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो जो ए के सारे एलिमेंट वो किसमें जाएंगे, बी में, तो जो एक्स एलिमेंट ए से उठाया था वो एक्स एलिमेंट बी में भी जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के सारे एलिमेंट है जो एक्स की फॉर्म में लिए मैंने, वो सारे एलिमेंट बी में भी चले गए, तो ए के सारे एलिमेंट बी में चले गए। अब जो ये एक्स वो बी सेट में पड़ा हुआ है, ये एक्स एलिमेंट बी सेट में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो जो एक्स एलिमेंट वो बी सेट में पड़ा हुआ है, तो वो एक्स एलिमेंट यानी कि बी के वो सारे एलिमेंट सी में भी जाने चाहिए, वही एक्स सी में चला गया, उसका रीजन क्यों, क्योंकि दे रखा है कि बी किसका सबसेट है, सी का, तो बी के सारे एलिमेंट किस में जाने चाहिए, सी में, क्योंकि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, दैट इज गिवन, तो बी के सारे एलिमेंट भी सी में जाने चाहिए, तो ये एक्स जो बी में था वो सी में भी चला गया, ठीक है। तो x उठाया कहाँ से था, a से, पहुँचा कहाँ दिया, c के अंदर, तो x जो एलिमेंट है जो a में पड़ा था वो ऑटोमेटिकली c में चला गया, ठीक है। तो अगर x एलिमेंट जो a से उठाया था अगर वो c में चला गया, तो a के सारे एलिमेंट आपने किस में दिखा दिए, c में दिखा दिए, तो इसलिए a के सारे एलिमेंट अगर c में है तो a भी किसका सबसेट होना चाहिए, c का होना चाहिए, बस यही प्रूव कर रहा था। अच्छा आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 में पावर ऑफ a यूनियन पावर ऑफ b, बेटा पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी दैट इज द सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये रिजल्ट सच होता है, हमेशा के लिए सच होता है, इसको प्रूव करना चाहते हैं, थ्योरेटिकली प्रूव करना चाहते हैं। मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको प्रूव कर सकता हूँ, अदरवाइज प्रूव करना मुश्किल होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे, आप जानते हैं एक ए सेट मैंने ले लिया 1, 2, मैं आपसे कहता हूँ इसका पावर ऑफ ए निकालो, पावर ऑफ ए की डेफिनेशन पहले ही समझा चुका हूँ, तो इस पावर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसके सारे सबसेट ढूंढ लो, सबसेट कैसे निकालते थे, 5 लिया करते थे, याद है, एक कर्ले ब्रैकेट डाल दिया, 1 ले लिया, सिंगल एलिमेंट, फिर 1, 2 ले लिया, ये सारे ले लिए, ये सारे मैंने सेट उठा लिए,
ये सारे के सारे कौन है, ये सारे सारे ए के सबसेट है, अगर इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूँ तो दैट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ ए। ये होता है पावर ऑफ ए। मतलब किसी का पावर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसके सारे सबसेट ढूंढ लो, फाइव फिर सिंगल एलिमेंट फिर सिंगल एलिमेंट डबल उठा लिए, ये पास सबसेट निकालना पहले ही सिखा चुका हूँ। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में अगर बंद कर दें दैट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ ए, ये पावर ऑफ ए कहलाता है। तो पावर ऑफ ए की अब खास बात क्या है, ए का पावर सेट की खास बात क्या है कि ये पावर ऑफ ए जो है ना कंटेन करता है, रखता है, मतलब अपने पास रखता है क्या, कंटेन ऑल सबसेट, ये कंटेन करता है ऑल सबसेट्स ऑफ ए। बस ये छोटी सी बात है कि पावर ऑफ ए में कैसे एलिमेंट पड़े हैं, सारे के सारे सबसेट पड़े हैं, किसके सबसेट, ए के सबसेट। अगर मैं तुमसे कहता हूँ पूछूंगा कि पावर ऑफ बी बताओ, तो पावर ऑफ बी का मतलब क्या है कि पावर ऑफ बी में कैसे एलिमेंट पड़े हैं, कौन से एलिमेंट पड़े हैं, बी के सबसेट ही तो पड़े हैं पावर ऑफ बी में। पावर ऑफ ए में कौन पड़े हैं, सारे सबसेट पड़े हैं, किसके, ए के। पावर ऑफ बी में कौन होंगे, बी के सारे सबसेट होंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी। अच्छा मुझे दिखाना कि ये पूरा जो ना सबसेट है, बट ये सबसेट का सिंबल है, बता चुका हूँ पहले, ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ऐसे भी लगा सकते हो, इक्वल का निशान भी लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ये ना सबसेट है पावर ऑफ ए यूनियन बी का, ठीक है। और सबसेट का सिंबल मैं पहले समझा चुका हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट पड़े वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, तभी ए सबसेट ऑफ बी कहलाता है। सबसेट की डेफिनेशन पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, बेटा किसी भी सेट को, किसी ए सेट को सबसेट दिखाना हो, बी का दिखाना हो, अगर ये प्रूव करना हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एलिमेंट उठाते हैं और उसे बी में दिखा देते हैं, ए सेट में से कोई एलिमेंट निकालते हैं और उसे किसमें दिखा देते हैं, बी में दिखा देते हैं, बस खत्म बात। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेट में से एक इस पूरे सेट में से पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी में से एक एलिमेंट उठाता हूँ, कैपिटल एक्स उठाता जो बिलोंग करता है पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी में, बिलोंग करता है पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी में बिलोंग करता है। मैं एक बिलोंग करना मतलब इसमें एक एलिमेंट पड़ा, वो इस टाइप का एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने स्मॉल एक्स लिया था, देखो इसमें मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूँ, क्यों क्यों बेटे, क्योंकि ए तो एक सेट है और इसमें जो एलिमेंट पड़े होते हैं वो स्मॉल लेटर में पड़े होते हैं, लेकिन पावर ऑफ ए जो है ना, पावर ऑफ ए ये खुद अपने आप में क्या है, सेटों का सेट है। देख लो ये रहा पावर ऑफ ए, ये आपके सामने लिख रखा है, तो पावर ऑफ ए में जो एलिमेंट पड़े हुए हैं सारे सारे एलिमेंट हैं, वो खुद क्या है अपने आप में एक सेट है, और इन और जो सेट होते हैं ना खुद अपने आप में क्या है, क्या सेट है, क्योंकि ये कैसे सेट है, ये सारे सारे ए के सबसेट हैं, और जो ये ए के सबसेट है मतलब ये सबसेट तो है ना, ये सारे कौन है, ए के सबसेट है, साथ में ये सेट भी है, तो इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, तो सबसेट को भी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसलिए पावर ऑफ ए में जो एलिमेंट पड़ा है वो कैपिटल लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या करा, पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी में जो एक एलिमेंट उठाया, जिसके सेट में पड़ा हुआ एक एलिमेंट, वो कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर एक्स बिलोंग करता है इन दोनों के अंदर, ठीक है, तो वो एक्स बिलोंग करना चाहिए पावर ऑफ ए में भी, यूनियन का मतलब और बता रखा है, और ये कैपिटल एक्स बिलोंग करना चाहिए पावर ऑफ बी में भी। बेटा यूनियन का मतलब और पहले ही समझा रखा है, ये बात ध्यान रखना। अब ए यूनियन बी की डेफिनेशन चेक करो इसके लिए, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करता है पावर ऑफ ए में और एक्स बिलोंग करता है पावर ऑफ बी में, बेटा यूनियन का मतलब और होता है, और होता है, मैंने पीछे बताया नहीं होगा लेकिन एक बार ही बताया था, यूनियन का मतलब और होता है, ध्यान रखनी ये बात, ठीक है। अच्छा एक्स बिलोंग करता है पावर ऑफ ए में, अगर ये एक्स बिलोंग करता है पावर ऑफ ए में, तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो पावर ऑफ ए में जो भी सेट पड़े हुए हैं, ये सारे सेट पावर ऑफ ए में पड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो पावर ऑफ ए में जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो कैसे एलिमेंट हैं, सारे के सारे कौन है, ए के सबसेट है। तो जो ये एक्स है जो पावर ऑफ ए में पड़ा हुआ है, क्या वो एक्स भी ए का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, एक्स इज सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से ये एक्स भी सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, तो जो एक्स सबसेट ऑफ ए है, या फिर ये x सबसेट ऑफ b है, तो ऑटोमेटिकली ये जो x है वो सबसेट ऑफ a यूनियन b भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस सबसेट का मतलब क्या है कि x के सारे एलिमेंट किसमें पड़े हैं, a में। तो यहाँ से भी आगे भी तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस x के भी सारे एलिमेंट किसमें पड़े हैं, a यूनियन b में। ये यूनियन क्यों आया, क्योंकि और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन होता है, कि x सबसेट ऑफ a या फिर x सबसेट ऑफ b, तो और का मतलब यूनियन होता है, इसलिए यहाँ पे यूनियन लगा दिया कि x इज आल्सो ए सबसेट ऑफ a यूनियन b, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमने दिखा दिया कि x किसका सबसेट है, a यूनियन b का, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अब जो ये सारे सबसेट है बेटा, ये सारे सबसेट है किसके सबसेट है, ये a के, और a के सारे सबसेट कहाँ बिलोंग करते हैं, पावर ऑफ a में। a के सारे सबसेट कहाँ बिलोंग करते हैं, a के पावर में। b के सेट है, b के सारे सबसेट
बी के सारे सबसेट कहाँ बिलोंग करते हैं, इसके सारे सबसेट कहाँ बिलोंग करते हैं, पावर ऑफ बी में। तो ऐसे ही ए यूनियन बी का ये सबसेट ही तो है, तो ए यूनियन बी का जो सबसेट है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, पावर ऑफ ए यूनियन बी में। तो एक एलिमेंट इधर से दिखाया था, पावर ऑफ ए यूनियन बी में दिखा दिया, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या होता कि इस तरह से एक एलिमेंट उठाओ, उसे पावर ऑफ ए यूनियन बी में दिखा दो। तो इस तरह से इसको प्रूव करना था, हेंस द रिजल्ट। अच्छा जी, लेकिन वो ये कहता है एक इसके अंदर एक बात और दिख रखी है कि पावर ऑफ ए यूनियन बी, पावर ऑफ ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। यहाँ पे ये दिखा था पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी दैट इज द सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये हमेशा सच होता है, ये बात 100% ट्रू है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा कर दिया, पावर ऑफ ए यूनियन बी यहाँ लिख दिया, पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी यहाँ लिख दिया। पावर तो कहते ये जो है ना सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो, ये इसका सबसेट हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने अपनी तरफ से ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया, ठीक है। ए सेट और बी सेट अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। किसी चीज़ को डिसप्रूव करना हो, मतलब ये चीज़ प्रूव करनी, ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये बात सच नहीं है, सच नहीं मतलब डिसप्रूव करना चाहता हूँ, ये प्रूव नहीं करना चाहता, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये बात जरूर नहीं कि सच है, इसको इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिसप्रूव कर रहे हैं। जब किसी चीज़ को डिसप्रूव करते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल देना पड़ता है, उसे एग्जांपल से डिसप्रूव करके दिखाते हैं, ना कि ऐसे थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, मुझे प्रूव करना है कि इसके सारे एलिमेंट जो है ना इसमें नहीं बिलोंग करेंगे, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं जाएंगे, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे ये सेट भी निकालना पड़ेगा और ये सेट भी निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं बिलोंग कर रहे हैं। तो ए सेट मैंने ये लिया, बी सेट ये लिया, ए यूनियन बी निकाल दिया, आप जानते हो इन दोनों का यूनियन निकाल दिया, ए और बी का, ठीक है। अब मैं पावर ऑफ ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ बेटा, ए यूनियन बी आपने ये निकाल रखा है, अरे ए यूनियन बी का पावर कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी सेट ये इसका पावर कैसे निकालते हैं, इसके सारे सबसेट ढूंढ लो, इसके क्या ढूंढ लो, सारे सबसेट ढूंढ लो। सबसेट कैसे क्या होंगे, फाइव, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 2 3 विद डबल डबल, डबल डबल ले लिया करते, याद है, फिर ट्रिपल एलिमेंट, ये सारी बातें पहले समझा चुका हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये पावर ऑफ ए, इसको सबको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया करते, दैट इज द पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये पावर ऑफ ए यूनियन बी कहलाता है, ठीक है जी। ये पावर ऑफ ए यूनियन बी समझाने के बाद उसके बाद पावर ऑफ ए निकालो, पावर ऑफ ए क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी दिखाना है, कि मैं प्रूव करा कि पावर ऑफ ए यूनियन बी दैट इज द सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, जरूरी नहीं होता। तो ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये निकाल चुका हूँ पावर ऑफ ए यूनियन बी, तो निकाल चुका हूँ यहाँ पर। अब पावर ऑफ ए निकालना चाहता हूँ, पावर ऑफ ए निकालना चाहता हूँ, पावर ऑफ ए ये निकाल रखा है, कैसे, ए सेट गिवन है, इसका पावर कैसे निकालूंगा, इसके सारे सबसेट ढूंढ लो, 5 1 2 ये दोनों, इसको करली ब्रैकेट बंद कर, दैट इज पावर ऑफ ए। ऐसे ही पावर ऑफ बी निकालो, पावर ऑफ बी कैसे निकालूंगा, बी सेट गिवन है आपको, तो बी सेट अगर गिवन है, ये रहा बी सेट 2.3, इसका पावर, पावर ऑफ बी क्या निकाल रहा हूँ, 5 2 3 2.3 खुद आ जाएगा, ये पावर ऑफ बी आ गया। इस तरह से पावर ऑफ ए पता है, पावर ऑफ बी पता है, पावर अभी कहता है पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी करो, पावर ऑफ ए जो आया पावर ऑफ बी जो, उसका यूनियन कर दो दोनों का, यूनियन निकाल दिया आपने, ये रहा, क्या लिख दिया,